Hello everyone. Let's take another question to solve it using the identities of the regular expression. Let's say the question is R star plus R star plus R star is equal to R star. So once again हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड की क्वांटिटी है वो बड़ी है, जो राइट हैंड साइड की क्वांटिटी है वो छोटी है. तो हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लाने की कोशिश करेंगे. सो द क्वांटिटी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज आर एंड देन आर स्टार प्लस आर स्टार प्लस आर स्टार. दिस इज इक्वल्स टू आर, ब्रैकेट के अंदर लिखी गई जो क्वांटिटी है उसमें आर आर स्टार को आप लिख सकते हैं आर प्लस, और देन हमारे पास है आर स्टार और प्लस आर स्टार. ब्रैकेट के अंदर के लिखी गई क्वांटिटी का मतलब है कि पॉजिटिव क्लोजर और एक क्लोजर. तो आपको पता है कि पॉजिटिव क्लोजर में क्या होगा, आर डबल आर ट्रिपल आर एंड सो ऑन सो फोर्थ. लेकिन जो क्लोजर होगा उसमें होगा एप्सिलॉन आर डबल आर एंड सो ऑन सो फोर्थ. आप अगर इन दोनों का यूनियन करेंगे तो इस सेट में एप्सिलॉन भी आ जाएगा, आर भी होगा, डबल आर भी होगा एंड सो ऑन सो फोर्थ. इसका मीनिंग हो जाएगा कि ये आर क्लोजर है. लाइक दिस एंड सिमिलरली आर आर स्टार हुआ हमारे पास यहाँ पे, इसका मीनिंग होगा आर का पॉजिटिव क्लोजर और प्लस आर स्टार. तो आर का पॉजिटिव क्लोजर और यूनियन विथ आर स्टार, अभी अभी हम लोगों ने देखा है कि इसका मीनिंग होता है आर स्टार. सो दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पार्ट ऑफ द गिवन इक्वेशन, हेंस वी कैन से दैट वी हैव प्रूव्ड. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. वी विल टेक अनदर क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर.